हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे, भगवान की कृपा सब पे होगी। अभी मैं कार में बैठा हूँ और अभी कुछ सामान लेने जा रहा हूँ। सुबह का समय है, सूर्यदेव की किरण सीधे मेरे चेहरे पे आ रही है इस समय, क्योंकि आज है घर पे सत्यनारायण भगवान की कथा। इस व्लॉग को बनाने का उद्देश्य ये है कि भगवान की कृपा आप सब तक मेरे वीडियो के माध्यम से पहुँचे और आपके बिगड़े काम बने, आपके घर में लोग स्वस्थ हों। बस आपके लाभ के लिए ये सब चीज़ें हो रही हैं। अभी मैं जा रहा हूँ फूल लेने, माला लेने, फिर धीरे धीरे घर में लोग आएंगे। बाबू जो हुआ है उसके साथ हम लोग ये कथा सुनेंगे, जिससे भगवान विष्णु की, भगवान नारायण की कृपा उस पर बनी रहे और आप सब पे भी उसकी कृपा बनी रहे। सो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कटरा में और यहाँ पे हम लोग आए हैं आज कथा के लिए, कुछ शॉपिंग करने के लिए। कथा के लिए जो सामान होता है ज़रूरी, जैसे प्लास्टिक की गिलास हो गई, पत्तल हो गया, जो खाना पीना हल्का फुल्का होगा, ये हम कटरा में खड़े हैं इस समय। और ये सारी चीज़ें देखिए हमने अभी ली है, दिखाता हूँ मैं आपको। जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता देता हूँ, इस वक्त मेरे पैरों में आलता लगाया जा रहा। आलता एक लाल रंग का रंग होता है जो कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत में बहुत ही कॉमन है, पूजा पाठ या किसी धार्मिक अनुष्ठान के शुरू होने के पहले लगाया जाता है। सो बेसिकली इसको लगाने का जो उद्देश्य होता है ये होता है कि इससे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और भगवान की पूजा पाठ के पहले इसे इसे महिलाएं भी लगाती हैं, पुरुष भी लगाते हैं और बच्चों को भी ये लगाया जाता है। कहा जाता है इससे एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और इस रंग को 16 श्रृंगार में भी शामिल किया गया है। सो हम लोग तैयार। नहीं, सबको बोला है ना? हाँ, बोल के तो आए। अच्छा, इतना माला अगर सब देखी। अच्छा अच्छा, नहीं पहली है ना, अभी जैसे बाबू हुआ तो उसके बाद पहला आंटी, इसके लिए थोड़ा सजा जा रहा है। भगवान की कृपा से ही सब कुछ है। हाँ, और क्या, सही तो बात है। उनके लिए नहीं करेंगे फिर अपने स्वार्थ में क्या करेगा, अपने स्वार्थ में तो हर आदमी कर रहा है। सो हम लोग की तैयारी यहाँ पे हो चुकी है और अभी लोग आ रहे हैं। तुम तो यार कपड़ा उपड़ा बदलोगे कुछ क्या? ब्लॉग में बेइज्जती करा रहे, जाए कपड़ा बदलो तुरंत, दिखा तुरंत जाओ। श्री कृष्ण भगवान और पुराने जो भी हमारे देवी देवता थे वो इसे लगाते थे, जैसे कुंडल पहनना, पैरों में रंग लगाना, ये सब एक धार्मिक, एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है। अब आते हैं भगवान सत्यनारायण की कथा क्यों होती है। ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, श्री हरि विष्णु भगवान की कथा सुनने से जीवन की सारी समस्याएं दूर होती हैं। स्कंद पुराण के अनुसार सत्यनारायण भगवान विष्णु भगवान का ही स्वरूप है। कहा जाता है कि ऐसी स्थिति में सत्यनारायण कथा सुनने और करने से भगवान विष्णु सभी भक्तों पर कृपा करते हैं। आपके घर से दरिद्रता दूर होती है, आपकी आपके घर में स्वास्थ्य जो अगर किसी का खराब है तो वो सही होता है। सत्यनारायण कथा के दौरान कई कहानियों का उल्लेख भी किया जाता है। जब आप इसे अपने पंडित जी से सुनेंगे तो उसमें वो कई कहानियों का वर्णन करेंगे, जैसे धनवान सेठ, बूढ़ा लकड़हारा, ग्वाला, लीलावती, कलावती, इन सभी ने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी थी और इन्हें इसका लाभ हुआ था। ऐसी कई कहानियाँ भी हैं, गूगल पे भी मौजूद हैं। और कहा जाता है कि नारद मुनि ने भगवान विष्णु से कहा था कि प्रभु ऐसी क्या, मतलब आपको पाने का वे हो सकता है जिससे एक सांसारिक जीवन में रहने वाला व्यक्ति आपको पा सकता है। तो श्री हरि विष्णु भगवान ने कहा था कि आप हमारी पूजा इस माध्यम से कर सकते हैं और हमें पाने का ये बहुत ही सरल माध्यम है। तो बस फिर क्या, लोग भगवान के गानों को गाते हुए, झूमते हुए और उन्हें याद करते हुए और सुनते हुए कथा को उसमें लीन हो गए और इन्हें हमने किया जिससे बड़े लाभ मिले और बड़े लाभ मिलते हैं। और ये सिर्फ उत्तर भारत की बात नहीं है, पूरे भारत में इसे सुना जाता है। सो भगवान
भगवान की कृपा से सत्यनारायण भगवान जी की पूजा पाठ सब कुछ कंप्लीट हो गया। बहुत अच्छा दिन निकला, और जब भगवान की असीम अनुकंपा होती है, असीम कृपा होती है, तो फिर कुछ और नहीं चाहिए होता है। इसी तरह भगवान सत्यनारायण आप सबका ध्यान रखें, आप सब पर कृपा बरसाएं। मिलते हैं अपने छोटे मोटे ब्लॉग के साथ, अपने निजी जीवन के कुछ क्षण के साथ आपके साथ दोबारा।